हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आपका स्क्रीन डेस्कटॉप साइट मोड पे कन्वर्ट नहीं है तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमारा स्क्रीन जो डेस्कटॉप साइट मोड पे कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है www.incometax.gov.in। ओके, ये लिख के आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिंक आधार। ओके, तो जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वो लिंक आधार पे जाके लिंक कर सकते हैं। ओके, तो हमको अभी स्टेटस देखना है कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो हमको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है लिंक आधार स्टेटस, तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, लिंक आधार स्टेटस के ऊपर। ओके, जैसे आप लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा लिंक आधार स्टेटस का। ओके, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डिटेल और आधार नंबर डिटेल लिख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिटेल हम भर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये डिटेल भर देने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस दिख रहा है। ओके, तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल चुका है कि योर पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। ओके, तो आपने अगर अपना पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक करके रखा होगा तो आपके सामने भी ऐसा मैसेज शो करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी लिंक आधार स्टेटस देख सकते हो। ओके, और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी देखते हैं आप लिंक आधार के ऊपर चलते हैं। ओके, तो जैसे आप लिंक आधार के ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे सब डिटेल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर 30 तारीख के बाद आप करना चाहोगे, 30 जून 2022 के बाद आप करना चाहोगे तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। ओके, अगर आप 30 जून तक कर लेते हो तो आपका काम 500 रुपीज़ में हो जाएगा, पर 30 जून के बाद ये फ़ीस डबल हो जाएगी। तो आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये प्रोसेस ख़त्म कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।